अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, उस टॉपिक पर बैठकर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, या फिर उस टॉपिक पर आपको किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, तो आप में से कितने स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है कि आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन या डिबेट में आप कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस हो? अगर अपना आंसर यस और नो में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं कर पाते। देखो, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह की, या फिर किसी को कोई इंटरव्यू वगैरह फेस करना होता है, तो उनके हार्ट बीट्स उनकी बढ़ जाती है। आप लोगों देखना, इस प्रकार के स्टूडेंट्स भी आपके आसपास काफ़ी मिलेंगे। तो क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे? अच्छा, लेकिन जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है ना, वो क्लास के अंदर तो अच्छे से डिबेट कर लेता है। मान लो कोई मैथ का टॉपिक है, वो उसके ऊपर अच्छे से, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यार हाँ, इस टॉपिक पे तो मैं टीचर से या स्टूडेंट से किसी भी उस टॉपिक पर, मतलब आपको बात करनी तो आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको उस मैथमेटिक्स की नॉलेज है, फिजिक्स की आपको नॉलेज है, फिजिक्स के टॉपिक पर आप डिबेट कर सकते हो। वहीं आप नोटिस करना कि आपकी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं आता, आप उससे बोलो कि आपको इस टॉपिक पर डिबेट करना है या डिस्कशन करना है, 2 मिनट कुछ समझाना है, आपसे कुछ बात करनी है, क्या वो कर पाएगा आपके साथ? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो सीधा सा मतलब मेरे कहने का है कि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होती है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है आपके अंदर, फिर आप इजीली बोल भी पाते हो उस चीज़ के बारे में। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है टॉपिक की नॉलेज होना। लेकिन आज आप क्लास के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर डिबेट कर रहे हो ओनली मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन सोशली अवेयर नहीं हो आप। सोशली अवेयर मतलब जैसे आप क्लासरूम से बाहर निकलते हो, सोसाइटी के अंदर जाते हो, किसी समाज में जाते हो, वहाँ पर आप नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आप सोशली एक्टिव नहीं हो। सोशल समाज से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन पर आप इतना एक्टिव नहीं हो, उनकी नॉलेज आपको नहीं है। और मैंने काफ़ी स्कूल्स के अंदर देखा है, काफ़ी स्कूल्स तो न्यूज़पेपर वगैरह पे काम भी कराते हैं, टॉपिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, मतलब इस पे चलता है छोटे मोटे, मैंने एक दो स्कूलों के अंदर देखा है। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर सिर्फ जो आपका सिलेबस है उसी के ऊपर काम होता है, उससे हटके किसी भी टॉपिक के ऊपर इस प्रकार से काम नहीं किया जाता है। और इसी वजह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, नहीं बोल पाते बाहर निकल के। वो क्लासरूम से बाहर जाते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं 2-4-5% वो अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होती है इस चीज़ की। जो सोशली एक्टिव रहता है, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करते रहते हैं, साथ ही साथ जो करंट में हमारे मुद्दे चल रहे होते हैं, या फिर जिन्होंने सोशल साइंस पहले अच्छे से पढ़ी हुई होती है, उनको नॉलेज होती है अच्छे से इन चीज़ों की, इसलिए वो ये सब चीज़ कर पाते हैं। तो इसी वजह से ये छोटे छोटे 2-2-4-4 मिनट की, हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी डिबेट लेके आता हूँ 2 मिनट के लिए, कुछ मुद्दे लेके आता हूँ, ताकि आप सोशली एक्टिव रहो। आप लोगों के लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अगर आप मेरे से बोलते हो तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर उसकी अलग से 5-10 मिनट की वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दूँगा, और मैं सोच भी रहा हूँ फ्यूचर में करने के लिए। हो सकेगा तो मैं पॉसिबल आप लोगों के लिए क्या करूँगा, डेली के जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं हमारे इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के, तो वो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे डिस्कस किया करूँगा, यहाँ पर वीक में 4 डेज़ 5 डेज। तो आप समझ गए ना क्यों मैं इतने डिस्कशन करता हूँ। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये भी इसी का पार्ट है नॉलेज का ही। अगर आप आज की डेट के अंदर छोटे छोटे मुद्दे अपने दिमाग के अंदर डालना स्टार्ट करते हो, अपने मेमोरी में ऐड करना स्टार्ट करते हो, तो ये छोटे छोटे मुद्दे ही एक दिन चलकर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपकी मेमोरी को सुपर ब्रेन बना देंगे, सुपर मेमोरी बना देंगे। आपके पास इतनी नॉलेज होगी, आप किसी भी इंसान से किसी भी प्रकार से, आपको बोला जाए डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, जो करना है आप इजीली कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर रहेगा, इस लेवल पर, समझ सकते हो ना इस चीज़ को। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं, आप इन चीज़ों को डिस्कस किया करो, क्योंकि ये आपकी एजुकेशन का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो आपका सिलेबस में दे रखा है यही आपका, आपको यही पढ़नी है चीज़ें लाइफ के अंदर। ये तो सिर्फ तब तक पढ़नी है जब तक आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जिस दिन आपकी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, आप जॉब के लिए जाओगे, वहाँ पर ये चीज़ें तो ठीक हैं, आपकी नॉलेज तो ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉपिक है सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको ज़रूरी होनी चाहिए, वो तो ज़रूरी है, बट आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपका लाइफ फ्यूचर में इनका और क्या यूज़ है, इन सोशल के जो सोशल अवेयरनेस के जो टॉपिक हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये भी आपकी एजुकेशन का ही पार्ट है। और कहाँ आपके काम आएंगे वो चीज़ें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना, स्टार्टिंग के 5-7 मिनट मैंने डिस्कस किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो से आपको हर वीडियो के अंदर स्टार्टिंग के 2-4 मिनट आपको ज़रूर मिला करेंगे इस प्रकार की छोटी छोटी क्लिप्स, जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स, चलिए। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग?
तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स 7.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है, 3x + 5 / x³ - x² - 1। तो क्या हम इसमें डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले एज इट इज लिख लेता हूँ, 3x + 5 / x³ - x² - x + 1। लेकिन पहले देखो नीचे जो फंक्शन दे रखा है, आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो वैसे ही पावर क्यूब में दे रखी है, अब आप सोच रहे हैं फैक्टर कैसे करें, तो फैक्टर दे बताता हूँ कैसे करने इसके आपको। तो 3x + 5 एज इट इज रखेंगे, नीचे देखो ये दो फंक्शन दे रखे हैं, इसमें से क्या करता हूँ मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, बाहर क्या कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से बच गया एक्स और वहाँ से क्या बचा 1। ठीक है, अब पीछे जो बचे इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स कैसा हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, एंड ये जो 1 है ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को दोबारा से ओपन करेंगे तो फिर हमें यही मिल जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, देखो 3x + 5 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ ऊपर, तो और नीचे क्या हो जाएगा, x - 1 यहाँ पर भी है, x - 1 यहाँ पर भी है, ये आ जाएगा कॉमन यहाँ से, तो x - 1 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा x² एंड उधर से बचा 1, तो x² - 1 बच गया यहाँ पर। अच्छा, अभी हम और काम कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि x² - 1 है, इसको मैं x + 1 x - 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b a - b। तो 3x + 5 को मैंने एज इट इज रखा, / x - 1 तो है हमारे पास एक ऑलरेडी, इसको जब ब्रेक करूँगा तो क्या आएगा, x - 1 एंड x + 1। क्लियर इतना? अब ये देखो, एक x - 1 ये आ गया, एक x - 1, 2x - 1 आ गए, तो मैं इनको स्क्वायर करके लिख देता हूँ। तो 3x + 5 / इसको मैं लिख दूँ x - 1 का होल स्क्वायर, भाई 2 है ना हमारे पास, और x + 1, कोई डाउट यहाँ तक? अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a / x - 1 लिख देंगे एक बार तो हम, क्लियर, + b / अगर स्केयर दे रखा है तो फिर हमें x - 1 का स्केयर ही लगाना पड़ेगा, एंड + c / x + 1। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लो आप यहाँ से, 3x + 5 / x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1। ठीक है, वैसे आप एक चीज़ नोटिस करो, ये क्वेश्चन जो हमारा ये आ गया ना, ये सेम 8th नंबर क्वेश्चन था हमारा, x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x + 1 है, वहाँ पर समथिंग शायद कुछ डिफरेंट था, देखो वहाँ पर x + 2 था और ऊपर 3x + 5 की जगह क्या था, x था ओनली, सेम क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अगर आप लोगों ने 8th क्वेश्चन अच्छे से किया है, समझ के किया है, तो इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था सिर्फ इस स्टेप तक, यहाँ तक कुछ नया था, मतलब जो ऊपर के दो स्टेप हम लोगों ने किए ना, ये कुछ नया काम करना था, बाकी इससे आगे सेम हमारा 8th क्वेश्चन ही है। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पर x - 1 है तो एक x - 1 आ जाएगा, एंड क्या आ जाएगा, एक x + 1 + b × इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x - 1 का होल स्क्वायर है तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x + 1 की, + c × x + 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर की। क्लियर? अब हमें देखो यहाँ से नीचे से ये कैंसिल आउट हो गया, अब मैं क्या कर लेता हूँ, 3x + 5 को एज इट इज रख लेता हूँ, और इसके इधर क्या बचा, इसको भी हम एज इट इज रख लेते हैं, a × x - 1 and x + 1 + b × x + 1 and + c × x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर है, अब अभी तक मैंने ABC की वैल्यू आपको निकालने के लिए जो 8 क्वेश्चन किए हैं उसमें जो तरीका बताया था उससे निकाल सकते हो, बट अभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर बता रहा हूँ कि उन्होंने पूछा है कि सर हम इनको एक्स के प्लेस पर हम किसी को 1 मान लें, मतलब जैसे x - 1 को हम अगर 0 मान लें तो क्या उस तरीके से हम ABC की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बोला था कि आपको जैसे मन कर सकता है आप वैसे ABC की वैल्यू फाइंड करो, जो तरीका आपको आसान लगता है। ओके,
मैंने आप लोगों को वो मेथड इसलिए बताया क्योंकि वो सब में कॉमन सा काम करता है, सिंपल, उसमें कुछ अलग से आपको सोचना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने वो आपको वो मेथड बताया था। आप कहते हो तो मैं ऐसे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दो चार क्वेश्चन आपको। ओके, इसमें आपको क्या करना है, मान लो देखो पहले क्या करेंगे हम, एक बार हम क्या कर लेते हैं, x माइनस वन को जीरो मान लेते हैं। x माइनस वन को जीरो मानने से मतलब है कि x को हम क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। जैसे हम x को वन मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, मतलब a भी खत्म हो जाएगा, c खत्म हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमको, समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर लेते हैं, x माइनस वन को जीरो मान लेते हैं, या फिर x को हम क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, आप ये मान के चलो। या फिर दूसरी भाषा में अगर आप कहो तो x माइनस वन को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। x माइनस वन को जीरो माना तो ये वन क्या होगा, उधर चला गया, इसलिए प्लस वन, मतलब इसलिए क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस वन। क्लियर। इस x इक्वल टू प्लस वन को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन है, आप कुछ भी नाम दे दो इसको। अगर मैं इसमें x इक्वल टू वन पुट करता हूँ तो जैसे इधर पुट करूँगा वन तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस फाइव है, तो थ्री इंटू वन थ्री प्लस फाइव कितना हो गया, एट इक्वल टू। और जैसे इसके अंदर मैं वन डालूंगा, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, और जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट जीरो हो गया। ओके, प्लस बी इंटू, अब इसके अंदर अगर मैं वन डालता हूँ, एक्स की वैल्यू प्लस वन डालता हूँ, ठीक है, आ जाएगा टू बी इंटू टू आ गया। प्लस अब देखो इसके अंदर जैसे वन डालूंगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये भी कंप्लीट जीरो हो गया। अब यहाँ से बी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, दैट इज़ फोर। बी की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को, फोर मिल गई। जैसे टू उधर डिवाइड में जाएगा तो एट से, एट को टू से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, फोर मिल जाएगा। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, चलो बी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। अब देखो अगर मैं एक्स माइनस वन, एक्स को क्या रख दूँ, इस एक्स प्लस वन को मैं ज़ीरो रख दूँ, एक्स प्लस वन को मैं क्या रख दूँ, ज़ीरो रख दूँ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को, माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वन। तो एक बार इसको माइनस वन पुट कर देते हैं, देखो उससे ये जीरो हो जाएगा, मतलब बी जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, तो ये भी कर देते हैं हम। थ्री इंटू माइनस वन तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, प्लस फाइव तो कितना हो जाएगा, टू इक्वल टू, ए जीरो हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पर अगर माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा वन, माइनस वन जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, जीरो। प्लस बी वाला भी जीरो हो जाएगा, प्लस सी इंटू, अब इसमें अगर माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन हो गया माइनस टू, और जब माइनस टू का स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर। तो इस प्रकार से यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो सी की वैल्यू हमें मिल गई टू अपॉन फोर, मतलब वन अपॉन टू। क्लियर है इतना। बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, अभी ए की वैल्यू और चाहिए। तो ए की वैल्यू तो हमें यहाँ दिख नहीं रही कि किसी प्रकार से मैं इन दोनों को एक साथ जीरो कर सकूँ, नहीं हो पाएंगे, कोई बी और सी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो पाएंगे, आपको दिख रहा है। इसके लिए फिर हमें अपना वही मेथड अपनाना पड़ेगा जो हम अभी तक करते आए हैं। अगर नहीं हो पा रहा इससे तो भाई अपना वो मेथड तो है ही सदाबहार, उससे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वो देखो मेथड मैंने इसलिए कराया था आप लोगों को क्योंकि वो अटकता नहीं कभी भी, उससे कोई क्वेश्चन जैसे मर्जी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो कभी कभार हो सकता है आपको वही मेथड दोबारा से अप्लाई करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को इक्वेट कर लेते हैं यहाँ से। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, जीरो, क्योंकि अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं पहले उसकी मल्टीप्लाई करूँ। ओके, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, जीरो इक्वल टू। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आएगा, एक तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो यार आप काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो अभी तक, तो इतनी मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी अभी तक इतनी ना। इधर से एक्स का कोफिशियंट कितना आ गया, ए, और यहाँ बी में तो एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, सी के अंदर एक एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक सी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपके पास और क्या मिल जाएगा, सी, मतलब ए प्लस सी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसके इक्वल आएगी, माइनस सी के इक्वल। तो ए की वैल्यू कितना मिल गई, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन टू, तो आ गई माइनस हाफ। तो मिल गई हम लोगों को ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। क्लियर है, ये मेथड भी क्लियर हो गया कि ए बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ओके, आप सिंपली सिर्फ ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, आपने पुट कहाँ करनी है ए बी सी की वैल्यू, जो हमारी इक्वेशन है ये, आप इसको कुछ भी नंबर दे दो यार, जो मर्जी, एक नंबर डाल देता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्केयर एंड एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप चाहो तो मैं साथ साथ ही इनको, चलो पहले नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इनको हम अलग अलग कर देंगे। तो एक ही वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू को मैं आगे रख देता हूँ, एंड वन अपॉन
एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड सी की वैल्यू कितनी है, प्लस सी 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 की वैल्यू दैट इज 1/2, तो 1/2 को मैं आगे रख देता हूँ, 1/(x+1)। क्लियर? अच्छा, मेरी इमेज के शायद नीचे कुछ चीज़ें आ रही होंगी, तो मैं खुद कुछ देर के लिए बन जाता हूँ मिस्टर इंडिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब मैं इनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो 1/2 को माइनस 1/2 को मैं बाहर ले आता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x-1) इंटू डी एक्स प्लस 4 को बाहर ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन। देखो अब मैं इस पर, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इसको x मान मान के करा चुका हूँ आपको 2-3 बार, तो अब मैं इसका डायरेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप इतना सीख गए होंगे। ओके, तो x माइनस वन का होल स्केयर है नीचे, इसको ऊपर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, -2 dx प्लस 1/2 को मैं आगे रखता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, 1/(x+1)dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप डायरेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/2, और इसका करेंगे तो दैट इज़ log x, log ऑफ x माइनस वन, -4। जब इसका करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन की पावर, -2+1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, अपॉन माइनस वन, ये भी माइनस वन, तो नीचे भी तो आएगा -1 एंड प्लस 1/2, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन log x प्लस वन, ओके एंड प्लस सी। अब हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। अब आप चाहो तो प्लस वाले को आगे लिख लो आप, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना होता है, लास्ट में जो प्लस के होते हैं उसको आगे रखो आप। 1/2 log x प्लस वन, अच्छा ये भी देखो 1/2 दोनों में 1/2 है, तो मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, और ये हो जाएगा log m और ये हो जाएगा n, तो ये क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, log x प्लस वन अपॉन log x माइनस वन मॉडुलस माइनस, ये देखो माइनस एक ही, और एक ही माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 इंटू, और जब इसको देखो आप एक्स माइनस वन का हो माइनस पावर है, तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है 2x-3 अपॉन x²-1 इंटू 2x+3। तो एज इट इज़ ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसको भी कुछ मुश्किल नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ इसको 2x+3 अपॉन x-1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, वही x+1 एंड x+1 और 2x+3 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। अब इसमें हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मैं पार्शियल फ्रैक्शन इसके अंदर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+1 प्लस c अपॉन 2x+3। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x+3 अपॉन x-1 x+1 एंड 2x+3 इक्वल टू, अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे, x-1 x+1 एंड 2x+3। क्लियर? ए की मल्टीप्लाई किस किस से हो जाएगी, ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, एक बार तो ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, x-1 है तो एक बार x+1 से हो जाएगी यहाँ पर, और दूसरा 2x+3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक ही प्लस बी इंटू बी की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x-1 से एंड 2x+3 से प्लस सी इंटू सी की मल्टीप्लाई किस किस से हो जाएगी, x-1 एंड x+1 से। क्लियर? अब ये नीचे का इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा उसको हम लिख लेते हैं, दैट इज़ 2x+3 इक्वल टू a इंटू x+1 एंड 2x+3 प्लस b इंटू x-1 एंड 2x+3 प्लस c इंटू x-1 एंड x+1।
क्लियर। अब आप जैसे मर्जी ए बी सी की वैल्यू को सॉल्व कर लो, निकाल लो, आप जो मैंने पहले मेथड बताया था उससे निकाल लो या जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया उससे निकाल लो। मैं उसी से एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आपको चीज़ें और समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ देखो आप क्या कर सकते हैं, हम एक्स प्लस वन को जीरो मान लूँ, अगर मैं इसको जीरो मानूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, मतलब ए जीरो हो जाएगा और ये चीज नोटिस करो सी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स प्लस वन को मैं जीरो मान लेता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस वन। अब अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई इसके अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस थ्री मतलब वन इक्वल टू ये जीरो हो गया, प्लस बी इंटू जैसे एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, और जैसे उसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन रखेंगे तो माइनस टू प्लस थ्री दैट इज़ वन। ओके अच्छा, अब हम लोगों ने गलती कर दी, मेरे तो ये नज़र पड़ेगी इसके ऊपर, ये टू एक्स माइनस थ्री भाई यहाँ पे, क्लियर ना, कितना ये टू एक्स माइनस थ्री। अब अगर हम इसको प्लस लेके चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गलत, ये कितना है माइनस, जैसे ही मैं इसमें माइनस रखूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू एंड माइनस थ्री दैट इज़ माइनस फाइव, कितना हो गया माइनस फाइव। चलो ये तो ठीक टाइम पे दिख गया मुझे, अदरवाइज तो फिर पूरा क्वेश्चन ही हमारा हो जाता है यहाँ से गलत। तो ये कितना हो गया माइनस ओ फाइव, देखो गलत क्या था, मतलब क्वेश्चन सही था, बस वैल्यू चेंज हो जाती, बाकी आप लोग उसको सही कर लेते, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, क्योंकि नीचे तो प्लस थ्री है ना, तो ये हो जाएगा वन, और ये देखो एक्स प्लस वन को हमने जीरो माना तो कम्प्लीट जीरो हो गया, प्लस जीरो। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितना मिल गई हम लोगों को, दैट इज़ माइनस फाइव, और इधर कितना हो जाएगा माइनस टू बी, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ माइनस फाइव इक्वल टू माइनस टू बी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, फाइव अपॉन टू। क्लियर। सेम इसी प्रकार से अगर मैं अब क्या करता हूँ, बी को मुझे जीरो करना है तो बी जीरो कैसे हो सकता है, सॉरी बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो बी की, चलो किसी को भी मान लेते हैं यार, इसको मैं क्या करता हूँ x माइनस वन को इस बार जीरो मान लेता हूँ, x माइनस वन को क्या मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो x माइनस वन को जीरो मानने से क्या क्या जीरो हो जाएगा, तो बी जीरो हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलो रख लेते हैं x की वैल्यू कितनी, वन रख लेते हैं, जैसे इसमें x की वैल्यू वन रखूँगा, टू वन जा टू माइनस थ्री दैट इज़ माइनस वन, माइनस वन किसके इक्वल हो गया, तो a इंटू यहाँ पर रखा मैंने वन, तो वन इंटू वन कितना हो गया टू, और यहाँ जैसे वन रखूँगा तो टू थ्री जा कितना हो गया फाइव, क्लियर। और बी जीरो हो गया क्योंकि एक्स माइनस वन कितना है ज़ीरो है, प्लस सी भी कितना हो गया हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए इक्वल टू हो गया फाइव टू जो टेन हो गया, तो माइनस वन अपॉन टेन ए की वैल्यू मिल गई। सेम इसी प्रकार से आपको किसकी वैल्यू और निकालनी है, बी की मिल गई, ए की मिल गई, सी की फाइंड करनी है। सी की वैल्यू कब आ सकती है, जब मैं इन दोनों को जीरो कर दूं, और ये दोनों जीरो कब हो सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री इसमें भी है, टू एक्स प्लस थ्री इसमें भी, उसको भी हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस थ्री अपॉन टू। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभार ना ये हो जाता है, जैसे अब ये एक्स की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू आ गई, अब जगह जगह आप माइनस थ्री अपॉन टू रखते चलोगे, हो सकता है गलतियाँ हो जाएँ, इस वजह से भी मैं उस मैथड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, बाकी ये भी ईजी है, ऐसी बात नहीं है। x की वैल्यू कितना आ गई, माइनस थ्री अपॉन टू, तो अब रखते हैं इसके अंदर x की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू, तो माइनस थ्री, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स इक्वल टू। अब ये a जीरो हो जाएगा क्योंकि टू एक्स प्लस थ्री कितना है, जीरो मानना है इसको हमने, इसमें भी टू एक्स प्लस थ्री, इसको जीरो मानना है, तो b भी जीरो हो गया, मतलब जीरो प्लस जीरो प्लस सी इंटू। अब जैसे ही मैं यहाँ पर x की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन टू रखता हूँ, तो माइनस थ्री अपॉन टू माइनस वन, अब मुझे थोड़ा रेफर करना पड़ेगा, ये माइनस थ्री अपॉन टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस फाइव अपॉन टू, कितना हो गया ये, माइनस टाइम्स फाइव अपॉन टू। क्लियर। अब इसके अंदर रख देते हैं, तो माइनस थ्री अपॉन टू, अगर प्लस करता हूँ मैं इसको, तो माइनस थ्री अपॉन टू प्लस टू दैट इज माइनस वन अपॉन टू, कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू। तो कर लो सोल्व इसको, कितना मिल, सी की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोगों को, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव अपॉन फोर हो गया, तो मतलब माइनस सिक्स इक्वल टू फाइव अपॉन फोर इंटू सी, तो सी की वैल्यू मिल गई आपको माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव। सी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी मिल गई हम लोगों को, माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव। क्लियर है।
अगर सी की वैल्यू मिल गई, वन सेकेंड, अगर सी की वैल्यू हम लोगों को मिल गई कितनी, -20/5, बी की यहाँ पर रही, ए की भी मिल गई। सिंपल, अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो इनको और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, देखो थोड़ा सा मैं पहले इरेज कर लूँ, अगर इरेज कर लेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारे लिए ना, स्पेस मिल जाएगा एक्स्ट्रा। चलो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, ये चीज़ें आप नोट कर लो, पीछे करके वीडियो को नोट कर लो फटाफट। चलो इतना ही बहुत है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3 अपॉन x²-1 इंटू 2x+3 इंटू dx किसके इक्वल है। इसके अंदर जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो ए है -1/10, तो -1/10 को मैं आगे रखता हूँ एंड अंदर क्या बचा, 1/(x-1) प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जल्दी बताओ, 5/2। 5/2 को आप आगे रखो और हमारे पास क्या है, 1/(x+1) प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -24/5। तो -24/5 इंटू क्या है उसके अंदर, 1/(2x+3) 1/(2x+3। अब इसका आप सिंपली अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग। तो -1/10 को मैं बाहर रख लेता हूँ, कॉन्स्टेंट अंदर क्या बचा, 1/(x-1) इंटू dx प्लस 5/2 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x+1) इंटू dx एंड ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, कितना है, 24/5 को यहाँ पर लेके आओ, अंदर क्या बच गया, 1/(2x+3) इंटू dx। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर दो, तो -1/10 log x-1 प्लस 5/2 log x+1 ओके एंड -24/5 और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, वही log 2x+3। लेकिन 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 एक चीज़ याद रखना, इसका कोफिशियंट कितना है x का, यहाँ पर 2। अगर जैसे हम इसको t मान के करते ना तब बताया जाता था आप लोगों को, लेकिन अब t का मानना छोड़ देते हैं, पर हम डायरेक्ट करते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2x+3 है, तो log 2x+3 हो गया, लेकिन x का कोफिशियंट है 2, उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये अपॉन में 2 प्लस सी। क्लियर, अब आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। बस ये देखो, वैसे तो ये 2 है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा, 12। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको लिख दो आप यहाँ पर, 1/10 log x-1। अगर आप चाहो तो प्लस का आगे लिख देना, चलो कोई नहीं, मैंने तो लिख दिया, आप अपने आंसर के अंदर प्लस को चाहो तो आप आगे लिख सकते हो, +5/2 log x+1 modulus -12/5 log 2x+3 प्लस सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, अगर मेरी इमेज के नीचे कुछ लगा हुआ है तो मैं खुद हट जाता हूँ 2 सेकंड के लिए और आप चीज़ों को नोट कर लो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है 5x/(x+1) इंटू x²-4। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी से थोड़ा स्पीड से इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई डायरेक्ट कर ही देते हैं इसके अंदर। तो 5x/(x+1) और इसको जो मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, x+2 x-2 के अंदर x+2 एंड x-2 काफ़ी क्वेश्चन में अभी तक हम कर चुके हैं, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है सब कुछ। तो a/(x+1) प्लस b/(x+2) प्लस c/(x-2) ओके। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है, हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 5x/(x+1) x+2 एंड x-2 इक्वल टू ए। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x+1 x+2 एंड x-2। तो a इंटू किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x+1 यहाँ पर है, इसके अलावा जो बचे उसकी मल्टीप्लाई कर दो, x+2 एंड x-2
प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू यहाँ पर है, इसके अलावा x प्लस वन बच गया एक तो, एंड एक x माइनस टू बच गया, प्लस सी इंटू सी के साथ कौन कौन आ जाएगा, x प्लस वन एंड x प्लस टू, x प्लस वन एंड x प्लस टू, क्लियर। अब ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा उसको लिख लो यहाँ पर, 5x किसके इक्वल आ गया, a इंटू एक्स प्लस टू एंड x माइनस टू, प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन एंड x माइनस टू, प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन एंड x प्लस टू। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो मेथड मैंने बताया दोनों में से, आप जो मर्जी हो लगाओ, अप्लाई करो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि नॉट ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप ये खुद काम कर लेना, काफ़ी हम लोगों ने करा दिया। मैं डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से, तो ए की वैल्यू हमारी जितनी निकल के आएगी दैट इज 5/3, और बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एंड बी है दैट इज 5/2, एंड सी की जो हमारी वैल्यू है दैट इज 5/6। ओके, ये मैंने सोल्व जाकर रखा है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए, आप लिखना चाहो लिख सकते हो इनको। ओके, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 5x अपॉन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस वन x प्लस टू एंड x माइनस टू dx, तो इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, किसके इक्वल आ जाएगा ये, मतलब a अपॉन, तो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5/3, तो 5/3 वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस बी के प्लेस पर क्या आएगा, दैट इज माइनस 5/2 वन अपॉन एक्स प्लस टू, एंड प्लस सी के प्लेस पर कौन आ जाएगा, दैट इज 5/6 इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपने क्या करना है, इसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लो और आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 5/3 बाहर है, कॉन्स्टेंट बाहर रख लेता हूँ, अंदर क्या बचा, 1/(x+1) इंटू डी एक्स, माइनस 5/2 को बाहर रखो, अंदर क्या बचा हमारे पास, दैट इज़ 1/(x+2) इंटू डी एक्स, प्लस 5/6 इंटीग्रेशन 1/(x-2) इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो 5/3 ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन माइनस 5/2 लॉग एक्स प्लस टू एंड प्लस 5/6 लॉग एक्स माइनस टू एंड प्लस सी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर। ओके, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर, बाकी सिर्फ ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो काम है वो आप कर सकते हो। वो क्योंकि देखो वो काम भाई मैं बता रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, चीज़ इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, आपकी प्रीवियस क्लासेस का काम है, आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्या, इसके अंदर हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, आप बताओ मेरे से, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे तो लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है तो आप ट्राई करके देखो। देखो ऊपर कितनी है पावर, x की 3 मतलब डिग्रीज की 3 है, नीचे की पावर मैक्सिमम 2 है मतलब डिग्री 2 है। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड कर देता हूँ, किस से, एक्स स्केयर माइनस वन से। जैसे मैं इसे डिवाइड करूँगा तो किस पे, यहाँ पर एक्स स्केयर है, अंदर एक्स क्यूब है, मतलब मुझे इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन चेंज कर देते हैं इसका हम, इसे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा हमारे पास 2x एंड प्लस वन। ओके, 2x प्लस वन, अब ठीक है इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, x प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज, इसका काम हमारा हो गया ख़त्म। ओके, अब हम क्या करना है, हमें आगे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, आप तो हम कर सकते हैं ना। अब x को तो छोड़ दो, x के अंदर हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई करना है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इसके अंदर लगाना है, क्योंकि x का तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स केयर पॉइंट टू आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर 2x प्लस वन अपॉन एक्स केयर माइनस वन, को मैं क्या लिख दूँ, एक्स प्लस वन
एंड एक्स माइनस वन लिख दूँ, कोई दिक्कत? चलो फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर, तो a अपॉन एक्स प्लस वन एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वही 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड x माइनस वन। इधर एलसीएम ले लो आप, एलसीएम क्या आ गया, x प्लस वन एंड x माइनस वन। तो a के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस वन की, एंड प्लस b के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस वन की। ओके ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस वन इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन एंड प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आपका जैसे मन करे वैसे आप फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड मैंने बताया, उसके अलावा अगर आपको तीसरा लगता है आपकी, आप और कुछ लगा के अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप अप्लाई करो। सिर्फ ए बी की वैल्यू निकलनी चाहिए आपकी, और सही वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मर्जी से कुछ भी निकाल दिया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर x माइनस वन को जीरो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। अप्लाई कर दो इसके अंदर, x की वैल्यू अगर मैं इसमें वन रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, टू प्लस वन दैट इज़ थ्री इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया कम्प्लीटली, क्योंकि x माइनस वन कितना है, जीरो। प्लस बी इंटू, जैसे इसमें वन पुट करूँगा तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई, दैट इज़ थ्री अपॉन टू। ओके अब अगर मैं यहाँ से x प्लस वन को जीरो रख दूँ इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन। अब माइनस वन पुट कर दो इसके अंदर, माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन। इधर अगर रखेंगे तो a इंटू माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू। एंड यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये जीरो हो गया भाई, तो जीरो हो गया ना, माइनस वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो प्लस भले आप लिखना चाहो तो लिख दो, प्लस जीरो। ओके अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ माइनस वन है, इधर माइनस टू है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू हमें मिल गई वन अपॉन टू। ओके तो a की वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में पुट कर दो आपका आंसर खत्म, पुट कर दो इक्वेशन वन के अंदर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर x है, इस x को लेके चलेंगे, इस x को नहीं छोड़ सकते अब हम लोग, ओके क्योंकि सिर्फ आप इसको मत याद रखना, वैल्यू हमें x की भी, जो x है उसको भी साथ लेके चलना है। तो ये आ जाएगा x प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू, ए के प्लेस पर हम क्या रख दें, तो आपको x तो रखना ही पड़ेगा अलग से, पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स तो आप रख ही दो, प्लस इनके प्लेस पर आप वैल्यू पुट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ a के प्लेस पर कौन है, a की वैल्यू कितनी हमारी, 1 अपॉन 2 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b के प्लेस पर कौन आया, दैट इज 3 अपॉन 2 वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अलग अलग करो, इनका इंटीग्रेशन कर दो, x डी एक्स अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वन अपॉन टू और वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, प्लस थ्री अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। जो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन एंड प्लस थ्री अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ओके मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का। तो नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास गिवन है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर। तो क्या इसमें हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 2 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके तो फैक्टर वगैरह तो बन नहीं सकते, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एलसीएम लेना, तो एलसीएम ले लो आप यहाँ से, टू अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर,
इक्वल टू, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी की, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी वन माइनस एक्स से। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इधर क्या बचा हमारे पास, ओनली टू, इधर क्या बचा हमारे पास। अच्छा देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ, ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, क्योंकि जब हम को इक्वेट करके करेंगे ना, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब ए बी सी की वैल्यू से जल्दी निकल जाएगी। मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि आ जाएगा ए प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी एक्स एंड माइनस बी एक्स स्क्वेयर, और जब सी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस सी एंड माइनस सी एक्स। आप कोफिशियंट को इक्वेट कर लो फटाफट जल्दी जल्दी, एक्स स्क्वेयर का इधर से क्या है, ए है और माइनस बी है, तो ए माइनस बी, उधर क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो। एक्स के कोफिशियंट देखो, इधर से बी है और इधर से माइनस सी है, तो बी माइनस सी किसके इक्वल, उधर एक्स का कोफिशियंट क्या है, जीरो। कॉन्स्टेंट देखो, यहाँ से कॉन्स्टेंट ए है एंड सी है, तो ए प्लस सी किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इसके अंदर देखो आप, इक्वेशन कोई से कोई पकड़ लो जिसका मन करे, टू और थ्री को देखो, अगर मैं टू थ्री को सोल्व करता हूँ तो ये सी सी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, ए प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन आ गई फोर, अब वन और फोर को सोल्व कर लो आप, उसे ए बी की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। तो मैं चाहूँ तो यही कर दूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर ना आप बोलोगे कि ज़्यादा ही कुछ शॉर्टकट हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस बी इक्वल टू टू। कौन कौन सी इक्वेशन है, ये वन है और ये कौन सी है, फोर है, ओके। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कितना आ गया, टू ए की सूट किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को यहाँ से, वन, तो ए की वैल्यू मिल गई हमें। अगर ए की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, वो भी वन मिल जाएगी हम लोगों को। इक्वेशन वन से हमें बी की वैल्यू मिल गई, अगर बी की वैल्यू मिल गई हम लोगों को तो अब किसकी फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो, थर्ड में हम क्या कर देते हैं, ए की वैल्यू को रख देते हैं वन प्लस सी इक्वल टू टू, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितना मिल जाएगी, टू माइनस वन इक्वल टू वन, तो सी की वैल्यू मिल गई वन। मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी आई, वन वन वन, यह इक्वेशन वन, तीनों की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन वन माइनस एक्स टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन, तो ए कितना है हमारे पास यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है वन, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ वन, तो ये आ जाएगा x, और c की वैल्यू भी 1 है, x प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके। तो हम अलग अलग कर लेते हैं तीनों को, ये हो जाएगा 1 अपॉन वन माइनस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, एंड इसमें क्या हो जाएगा, प्लस इनको भी अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन, ये क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मैं इसको लिख दूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वन, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, बाकी लिखने में कोई दिक्कत है नहीं हम लोगों को। प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, इसको भी मैं लिख दूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी एक्स। अगर आप चाहो तो इसको भी चेंज कर लो, वन माइनस एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स माइनस वन, और माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में ना, तो माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस। अच्छा इसके अंदर देखो आप, नीचे वाला हमारा क्या है, एक्स के नीचे का फंक्शन एक्स स्क्र प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, बट हमारे पास ऊपर क्या है, ओनली एक्स गिवन है, तो मैं अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, और सॉरी टू से डिवाइड कर दूँ और टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, क्यों, अब मैं देखो शॉर्टकट नहीं बताऊँगा आप लोगों को कि इसको टी मान लो, आप कर सकते हो, अगर आपको अभी तक चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप इसको टी मान लो एक्स स्क्र प्लस वन को, आप उसको डी टी में कन्वर्ट करो, आप उस प्रकार से कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन अब हमारे पास नीचे क्या है, एक्स स्क्र प्लस वन, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है हम लोगों को, तो ये क्या आ जाएगा, लोग टी, ओके। मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर वन अपॉन टू, इसका मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन, इसका आ गया वन अपॉन टू लोग एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ओके। प्लस इसका क्या दिख रहा है आप लोगों को, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या होता है, टेन इनवर्स, वन अपॉन ए मतलब वन अपॉन वन इंटू टेन इनवर्स एक्स,
प्लस सी। अच्छा इसका रह गया अभी, इसका भी कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस वन प्लस, बाकी ऐसी चीज लिख दो, वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वन एंड प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर। ओके, अगर मेरी इमेज आडे आ रही है आपके, ओके, तो मैं हट जाता हूँ, दो मिनट के लिए गायब हो जाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करो, चीज़ों को नोट कर लो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास गिवन है 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्केयर। तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्केयर इक्वलेंट टू, ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 2 एंड प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्केयर। कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्केयर इक्वल टू a, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्केयर a इंटू, इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 2 की प्लस b के साथ किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि यही एलसीएम है, यही हमारे पास है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो 3x माइनस 1 किसके इक्वल बचा, a इंटू एक्स प्लस 2, a इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस b। अब यहाँ से b की वैल्यू तो ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, कि अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, x प्लस 2 को 0 मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ माइनस 2। अब पुट कर दो ये x, अगर इसमें माइनस 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 6 माइनस 1 इक्वल एन 2, ये तो 0 हो गया एंड प्लस b बचा ओनली। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से, दैट इज़ माइनस ऑफ 7। अगर b की वैल्यू माइनस 7 मिल गई तो बाकी आप, अब हमारा सेम वही तरीका, इसके जो फंक्शंस हैं उनको इक्वेट कर लेते हैं, सॉरी इधर के जो कॉन्स्टेंट है उसको इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी इजिली। तो इधर कॉन्स्टेंट कितना है, माइनस 1 है, इधर कॉन्स्टेंट कितना है, यहाँ पर 2a एंड प्लस b, ये कॉन्स्टेंट रहेंगे। आप इसको इक्वेशन को ओपन करोगे तो यहाँ से हमें b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। जब b उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, माइनस 1 इक्वल टू 2a एंड ये है माइनस 7 b की वैल्यू। तो ये माइनस 7 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2a माइनस 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 6, और a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से, 3। क्लियर, a की वैल्यू मिल गई और ये b की वैल्यू मिल गई, बस क्वेश्चन सोल्व है हमारा, इससे आगे कुछ करना ही नहीं है, मेन काम यही होता है। ये हमारी इक्वेशन 1, इसमें रख देते हैं, सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्केयर किसके इक्वल है, इंटू dx, किसके इक्वल है ये, इसकी वैल्यू है a की, दैट इज़ 3 अपॉन x प्लस 2 एंड प्लस b की वैल्यू, दैट इज़ माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्केयर। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर अलग अलग कर लेता हूँ और उनको सोल्व कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 को मैं कॉन्स्टेंट बाहर ले आता हूँ, 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स एंड माइनस 7 को जब हम बाहर लेके आएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्केयर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 एंड माइनस 7 इंटू, जब इसका हम करेंगे तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा एंड डी एक्स, तो 3 लॉग x प्लस 2 माइनस 7, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 1, एक माइनस 1 नीचे चला जाएगा मतलब, और वो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब हम सिंपली क्या करना है, सिर्फ इस ओपन कर दो और हमारा आंसर आ गया फाइनली, ये लॉग एक्स प्लस 2, ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस, या कुछ चेंज आएगा, ये माइनस का आएगा ना, ठीक है, ये माइनस चल ही रहा था हमारे पास, तो माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन एक्स प्लस 2, 7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास गिवन है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1।
क्या हम इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो हम कर देते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 1 अपॉन, देखो x की पावर 4 माइनस 1 है, तो मैं पहले क्या करता हूँ इसके फैक्टर बना लेता हूँ। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, तो मैं x की पावर 4 को मैं एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 1 को लिख दूँ, 1 का स्केयर क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो एक्स स्केयर माइनस 1 एंड एक्स स्केयर प्लस 1, क्लियर। अब ये देखो माइनस 1 वाला, अगेन इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई होगा, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, क्लियर। अब इसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी अपॉन, सॉरी सी नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो सी एक्स प्लस डी आएगा, याद रखना, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर रखेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a की मल्टीप्लाई करेंगे किससे आ जाएगी, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू, इधर आ जाएगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c के साथ कौन कौन आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी के साथ, सी एक्स प्लस डी है यहाँ पर, ये याद रखना। तो इसके साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों को रखेंगे तो मैं इसको इकट्ठा करके लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूँ, ओके, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 आएगा, तो मैंने उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब ये इधर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 इक्वलेंट टू a इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस डी इंटू किसके मल्टीप्ली, इसके मल्टीप्लीकेशन में कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर देखो किसी चीज़ को हम कट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स माइनस 1 को अगर मैं एक्स माइनस 1 को 0 रख दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो एक तो ये 0 हो जाएगा और एक ये 0 हो जाएगा, ओके, वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो यही कर लेते हैं, पहले एक्स माइनस 1 को मैंने 0 रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो इसके में अगर रखते हैं तो इधर तो 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर a इंटू, जैसे इसमें रखेंगे एक्स की वैल्यू 1 तो ये कितना हो जाएगा 2, एंड इसमें रखेंगे तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 अगेन 2, ओके, ये 0 हो गया कम्प्लीटली, और सी एक्स प्लस डी भी 0 हो गया, ओके, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ इक्वल एन टू 1 अपॉन 4। कोई डाउट नहीं है, चलो। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू कैसे मिल सकती है हम लोगों को, अगर मैंने अभी तो x माइनस 1 को 0 रखा था, अगर मैं अब x प्लस 1 को 0 रख दूँ, x प्लस 1 को 0 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1, तो ये 0 हो रहा है यहाँ तो, और c प्लस प्लस डी अगेन 0 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी x प्लस 1 है भाई, इसको हम ओपन करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 ही तो आएगा, तो इसमें फिर x प्लस 1 है वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर 1 है कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट 0 हो गया a वाला, और b इंटू यहाँ पर अगर x की वैल्यू माइनस 1 करते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एंड 1 प्लस 1 अगेन ये प्लस 2 आ गया, लेकिन प्लस ये पीछे 0 हो जाएगा कम्प्लीट, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन ये हो गया माइनस 4, तो b आ गया हमारा माइनस 1 अपॉन 4, ओके। अब c और d की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कर सकते हैं, उसमें दिख रहा है आपको कुछ 0 बना दे, नहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा कैसे बनाए 0, तो हम क्या करते हैं कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो c को मैं किससे निकाल सकता हूँ, देखो सी एक्स की जब मैं इस एक्स स्क्वायर से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब कोफिशिएंट मिलेगा, तो मैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट ढूंढ लेता हूँ। तो इधर क्या एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो क्या क्या है, एक तो ये हो जाएगा एक्स की और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब भी मिलेगा, मतलब एक तो आ गया प्लस ए, यहाँ से भी मिल रहा है प्लस बी, ठीक है, और यहाँ से सी एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो यहाँ से भी सी मिल जाएगा हमको प्लस सी, ओके। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ए और बी की वैल्यू पता है, पुट कर दो सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो काफ़ी आसान हो गया इस इक्वेशन के अंदर। तो
ए की वैल्यू है दैट इज़ 1/4, बी की वैल्यू दैट इज़ -1/4, प्लस सी इक्वल एन टू 0, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, सी की वैल्यू तो 0 मिल गई, कुछ बचा ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, 0 आ गया था, 0 सही, और डी की वैल्यू ये है हमारे पास। ओके सॉरी, ए की, बी की, सी की है, डी की वैल्यू नहीं है, डी की तो फाइंड करनी है ना अभी, तो डी की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो डी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर काम कर लेता हूँ। अब डी कैसे मिल सकता है, देखो ना यहाँ से आप, डी एक्स स्केयर के साथ कोफिशियंट में आएगा, तो एक्स स्केयर के कोफिशियंट देख लेते हैं, इधर तो 0 है। ओके, इधर से एक्स स्केयर का कोफिशियंट कौन मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा कोई, जब 1 की एक्स स्केयर से करेंगे तो एक्स स्केयर मिलेगा, और ए से कर देंगे तो ए एक्स स्केयर आ जाएगा, तो मतलब एक आ गया कोफिशियंट इसका ए। इधर से देखो, -1 की एक्स स्केयर करेंगे तो आ जाएगा -x², तो मतलब हमें मिल जाएगा -b। एंड यहाँ से करेंगे तो डी एक्स स्केयर तो रहेगा इसके अंदर, उसके अलावा तो और एक्स स्केयर का कोई मिलेगा नहीं, तो प्लस डी हो जाएगा। ओके, अब ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0 आ गया। सिंपली हमें ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, हो जाएगा ये। तो ए की वैल्यू 1/4 माइनस बी की वैल्यू है -1/4 एंड प्लस डी। तो यहाँ से देखो, ये -1/4 0 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस डी आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 LCM 1+1 2, मतलब ऊपर 2/4 आ जाएगा, मतलब 1/2 बचेगा, और वो 1/2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो मतलब डी की वैल्यू मिल गई हम लोगों को -1/2। ओके, ये वैल्यू लिख लो आप यहाँ पर। तो मैं ये चीज़ें इधर की इरेज कर देता हूँ, आप ये वैल्यू नोट कर सकते हो, नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इनको इरेज कर देता हूँ। ओके, डी की वैल्यू कितनी है, -½, सिर्फ याद रखना आप लोग। इधर से भी मैं अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ना स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को, आप नोट कर लो इन चीज़ों को। चलो, डी की वैल्यू याद रखना, मैंने इरेज कर दिया, कितनी आई थी -½। तो हमारी जो इक्वेशन थी ये, इस इक्वेशन में मैं इसको रख देता हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x−1 x+1 एंड x²+1 एंड dx, इसमें हम रख देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू आई हमारी दैट इज 1/4, 1/4 को मैं आगे रखता हूँ, इंटू 1/x−1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू कितनी है हमारी, -1/4, -1/4 को आगे रख लो, प्लस 1/x+1। चलो मैंने यहीं अलग अलग कर दिया, तो कोई बात नहीं है, इसे सोल्व कर देते हैं इसको हम। एंड प्लस cx+d, cx, c की वैल्यू दैट इज 0, प्लस d की वैल्यू कितनी है, -½ अपॉन में क्या था, x²+1 इंटू dx। बस अब हो गया सोल्व, अब क्या करना है, कर दो सोल्व फटाफट। तो 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x−1 इंटू dx, एंड ये हो जाएगा -1/4 को बाहर रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x+1 इंटू dx, और इसमें से देखो क्या बचा, ये तो 0 बच गया, ऊपर बचा -½, तो -½ को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²+1 इंटू dx। क्लियर, अब तो सिंपल हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन ओनली आपको पता क्या आ जाएगा, 1/4 log x−1, ये हो जाएगा -1/4 log x+1 एंड -½, ये देखो क्या हो गया हमारा, बन गया x²+a² दैट इज tan इनवर्स 1/a, तो 1/1 लिखो जी, मतलब लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया tan इनवर्स x+c। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अच्छा, ये log m और log n बन रहा है, देखो 1/4 कॉमन आ जाएगा ना, तो इसको आप चाहो तो और आगे लिख सकते हो, 1/4 log x−1/x+1 -1/2 tan इनवर्स x+c। तो ये है इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। ओके, शायद चीज़ें आप लोगों को दिख रही है, 2 सेकंड के लिए मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, चीज़ों को नोट कर लो। तो मुझे लगता है यार काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया हमारा, इसको यहीं पर रखते रोकते हैं, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और जाहिर सी बात अच्छा तो लगा होगा यार, क्यों नहीं लगेगा इतना अच्छा।
अच्छा वीडियो बनाया तो अच्छा तो लगेगा जाहिर है। क्लियर है ना? मैं अच्छा नहीं लग रहा तो बताओ ना, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, रीज़न तो बताओगे ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा, अगर नहीं लग रहा तो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो, और साथ में साथ वीडियो को जितना मैक्सिमम हो उसके शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पढ़ना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो वहाँ तक आप वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जो आएगा आपको उस घंटी को भी दबा लें ताकि जो वीडियो जो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।